हाय, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी तो आपकी चल ही रही थी, अब से क्लास सिक्स की साइंस की भी वीडियोस आपको अवेलेबल होंगी गुरु आश्रम के यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, ये वीडियोस जो होंगी वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा ईजिली वे में आपको समझाने की। हालाँकि सब्जेक्ट भी आपका ईजी है साइंस क्लास सिक्स से लेकर एट तक, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका, ठीक है। चैप्टर का नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि जो हमारा खाना है वो कहाँ से आता है, वेयर डज इट कम फ्रॉम, वो कहाँ से आता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे आज। फूड वैरायटी, जो हमारे फूड्स हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। सही बात है सर, बहुत सारे टाइप के फूड्स होते हैं, उनके बारे में जानेंगे कि कितने टाइप्स के फूड्स होते हैं, किस किस टाइप के फूड हम खा सकते हैं और नहीं खा सकते। जैसा आप इमेज में देख सकते हैं कि हमारे पास फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स हम खा सकते हैं, साथ में वेजिटेबल्स के साथ मीट यानी कि चिकन हमारा हो गया, नॉन वेज जिसको हम कहते हैं सर। अलग अलग किस्म के फ्रूट्स पेड़ों से, कुछ एनिमल्स से हमें मिलते हैं, तो उन सब के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, टू मटेरियल और इन्ग्रीडियंट आर नीडेड टू प्रिपेयर डिश और बॉइल्ड राइस। अगर हम चावलों की बात करें, वैरायटी का मतलब है उनको बनाने की बात करें, तो चावल बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो राइस की और दूसरा वाटर की। अगर हमारे पास दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हैं तो हम ही ईजली राइस बना सकते हैं। पर अगर बाकी, मान लो आपको पनीर की सब्जी बनानी है, ठीक है, करी बनानी है, कुछ और बनाना है, उसके लिए हमें बहुत सारे इन्ग्रीडियंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं, ठीक है, बहुत ही प्यारी और खाने योग्य अच्छी डिश बना पाएंगे। तो यही सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। इंग्रेडिएंट यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्सेज। देखिए, कोई क्या चीज़ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आप समझ जाएंगे इसे, इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, फूड आइटम्स क्या होते हैं और सोर्सेज क्या होते हैं। जैसे इडली अगर मुझे बनानी है तो उसके लिए बच्चों हमें क्या चाहिए, राइस, उड़द की दाल, सॉल्ट, वाटर, इन चार चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी ऑफकोर्स। और ये चारों चीज़ें में से मेन जो हमारा राइस है वो हमें प्लांट से मिल जाएगा, उड़द की दाल हमें प्लांट से मिल जाएगी, सॉल्ट हमें पता है अवेलेबल हमारे पास है ही ऑलरेडी, और वाटर हमें ज़मीन से। तो इन चीज़ों की मदद से हम ये अपना इडली तैयार कर सकते हैं। चिकन करी की बात करें तो चिकन हमें एनिमल से मिलेगा, उसके बाद स्पाइसेस मसाले हमारे प्लांट्स होते हैं उनसे मिल जाते हैं हमें, ठीक है। ऑयल और घी या तो हम प्लांट से ले सकते हैं, जैसे सरसों का तेल हो गया, अलग अलग तेल होते हैं जो हमारे प्लांट से मिलते हैं, या फिर एनिमल्स की मदद से, जैसे कि काउ मिल्क या बफेलो के मिल्क से हम क्या करते हैं, घी प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, घी। और उस घी को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, दूध, और दूध सर कहाँ से मिलता है, हमें एनिमल्स से मिलता है। खीर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, मिल्क, राइस, शुगर। अगर ये तीन चीज़ें हमें अवेलेबल हैं तो हम ईज़िली खीर बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर हमें सिर्फ चावल बनाने थे तो हमें सिर्फ चावल और पानी की जरूरत थी, लेकिन बाकी और कोई चीज़ बनानी है हमें तो उसके लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। इस तरीके से हम अपने फूड्स को प्रिपेयर कर पाते हैं अलग अलग तरीके से, यानी कि मिल्क तो हमें एनिमल से मिल जाएगा, राइस हमें प्लांट से मिल जाएंगे, आपकी जो राइस की फसल होती है वहाँ से, जैसे आपकी इडली हो गई बच्चों, हमारी चिकन करी, ये हमारी खीर। मुँह में पानी तो आ गया होगा देखते ही, खैर मेरी भी फेवरेट है यार। खैर आगे बात करते हैं, फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। जो फूड मटेरियल्स होते हैं वो हमें कैसे अवेलेबल होते हैं और उनके सोर्स यानी कि सूत्र क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमें मिल सकते हैं। तो प्लांट आर वन सोर्स ऑफ ओवर फूड, जो प्लांट हैं वो भी हमारे खाने का सोर्स है। जैसे गेहूं हम खाते हैं वो भी क्या है, वो भी प्लांट्स ही तो खा रहे हैं सर, कोई एनिमल से थोड़ी ना गेहूँ हमें मिलता है। इसी तरीके से जैसे फ्लावर हो गया आपका, फ्रूट्स, मान लो कोई फ्रूट्स आ रहा है ये, तो उसको हम खा सकते हैं। कहीं कहीं स्टीम और लीफ भी खाई जाती हैं, पत्तियां भी खाई जाती हैं, जैसे पालक, पालक क्या है, पत्ते ही तो हैं सर, उसको भी हम खाते हैं। उसके बाद ये तो इसको कहते हैं हम रूट सिस्टम, उसके बाद प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट, रूट सिस्टम। कुछ फसल होती हैं जो रूट होती हैं एक तरीके से, उनको भी हम खाते हैं, जैसे गाजर, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी प्लांट्स के वो पार्ट जिनको हम खा सकते हैं, यानी कि जो ईडेबल है। उसके बाद प्लांट आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड, द फूड डैट वी कंज्यूम इज ऑब्टेंड फ्रॉम मेनली टू सोर्स। जो फूड हम खाते हैं वो मुख्य तौर पर दो सोर्सेज से हमें मिलता है, पहला क्या है प्यारे बच्चों, प्लांट्स, सेकंड क्या है हमारा एनिमल्स, एनिमल्स की मदद से मिलता है।
फूड ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स, जो फूड्स हम प्लांट्स से लेते हैं वो कौन कौन से हैं सर आपके? फ्रूट्स यानी कि फल, वेजिटेबल, सब्जियां, ग्रेन्स, दालें, पल्स, दाल हो गई आपकी, सीरियल्स, ये हमारे फूड हो गए। फूड ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से एग ज़्यादातर लोग खाते हैं, मीट, मिल्क, दूध तो लगभग हर कोई पीता है, तो दूध कहाँ से मिलता है बच्चों हमें? दूध मिलता है एनिमल से, बीफ, मांस, फिश, मछली, चिकन, पोर्क, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? एनिमल से मिलती हैं हमारे खाने के लिए। प्लांट्स पार्ट्स एज अ फूड, ठीक है, सम प्लांट्स हैव टू और मोर ईटेबल पार्ट, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके दो या दो से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स, जो सीड्स हैं किसकी? मस्टर्ड प्लांट्स यानी कि सरसों का जो पेड़ होता है आपका, उसके जो सीड्स हैं, बीज हैं वो हमें ऑयल देते हैं, उनसे तो हमें ऑयल मिलता है। एंड लीव्स आर यूज्ड फॉर वेजिटेबल, और जो उनकी पत्तियां हैं वो सब्जी के तौर पे हम यूज़ करते हैं अपने खाने के लिए। एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी प्लांट रोड पे रास्ते पे दिख गया तो आप उसके पत्ते चबा के खा जाएं, ऐसा नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि सभी प्लांट्स खाने योग्य नहीं होते, कुछ जहरीले यानी कि पॉइजन होता है उनमें नेचर में, जो हमारे लिए जहरीले हैं। एग्जाम्पल के लिए ओलेंडर, कैस्टर बीन, ठीक है, ये सारे क्या है आपके? जहरीले प्लांट हैं जो कुछ ऐसे दिखते हैं, इमेज अवेलेबल हैं, ताकि कभी आप ऐसे प्लांट्स, पेड़ पौधे कुछ भी देखें उनसे उन्हें खाएं ना, उनसे दूर हो जाएं, ये हमारी सेहत के लिए टू मच डेंजरस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्प्रूट्स ऑफ मूंग दाल, यानी कि मूंग की दाल के जो दाल जो बीज युक्त हो जाती है यानी कि फूट जाती है जब वो, एंड चना इज ईटन एज हेल्थी स्नैक्स, सुबह सुबह एक स्नैक्स के तौर पे लेते हैं, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। जिनके घरों में कोई बड़ा जिम जाता होगा तो आप देखना वो मॉर्निंग के टाइम पे ये चीज़ खाते हैं, तो ये एक हमारे लिए हेल्थी फूड के तौर पे माना जाता है। स्प्रूट्स इज द वाइट रूट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाइट रूट, ये इसकी बात कर रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इसकी रूट है, क्योंकि यहीं से ये पेड़, अब ये जो बीज है चने का, ये नया एक पौधा बन सकता था। कमिंग आउट ऑफ सीड्स, बीजों में से निकलता है, ये बीज ही कंसीडर कर रहे हैं हम इनको, वैन सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट, जब एक रात के लिए हम इनको पानी में फुला देते हैं, तो ये इस तरीके से फूट जाती है मूंग की दाल। आप घर पे करके देखेगा, आज क्या करना है आपको, एक गिलास लीजिएगा, ठीक है, मान लो ये गिलास है एक, मान लो यार लग तो रानी है गिलास जैसा, पर मान लो आप ये है गिलास, अब यहाँ पर ना आप इसमें मूंग की दाल रख देना ये, और जितनी मूंग की दाल रखो ना पानी उतना ही गिरना, ज़्यादा नहीं, नहीं तो ये फट जाएंगी, ऐसे बीज नहीं आएंगे, और इनको रात रात भर छोड़ देना। आप सुबह देखोगे उठ के तो ये आपकी दाल कुछ ऐसी हो जाएगी, यानी कि इनमें बीज फूट आएंगे ऐसे करके, और इसमें आप नमक डाल के खाना, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा, हेल्थी, और आपका एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम, व्हाट डू एनिमल ईट, एनिमल क्या खाते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के आधार पर हमने क्या करा है, एनिमल्स के क्लासिफाइड करा है, कैसे? हर्बीवोरियस, कार्निवोरियस एंड ओमनिवोरियस, ये तीन कैटेगरी हमने बनाई हैं। सबसे पहले बात करते हैं हर्बीवोरियस कौन होते हैं आपके सर? एनिमल विच ईट, जो क्या खाते हैं सिर्फ? प्लांट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट या उनके प्रोडक्ट खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हर्बीवोरियस, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, काओ, बफेलो, गोट, सिप, डोंकी, एलिफेंट, ग्रेफ, डियर, कैमल, कभी आपने इनको गाय को मांस खाते हुए देखा है? आपने गाय कभी नहीं खाती दूसरे जानवर को, ऊँट कभी मांस नहीं खाएगा, भैंसा कभी मांस नहीं खा सकता, बफेलो, ठीक है, हाथी मांस नहीं खाता, हिरन नहीं, ये क्या खाती है? प्लांट खाते हैं, जैसे मान लो कहीं घास हो रखी है तो ये उसको खा लेंगे, ठीक है, कोई पेड़ पौधे की पत्तियाँ हैं उसको खा लेंगे। गाँवों में अगर आप में से कोई रहता है तो एक वर्ड आपने सुना होगा, नियार, ठीक है, ये नियार खा लेते हैं, इन सब चीज़ों को ये खा के अपना जीवन यापन करते हैं, तो एनिमल्स ये खाते हैं। जो भी कोई लाइक नेचुरल प्रोडक्ट खाता है उसको ही हम क्या कहते हैं बच्चों, यानी कि जो कोई मांस ना खाता हो वो क्या है? हर्बीवोरस। उसके बाद बात करते हैं कार्निवोरस कौन होते हैं बच्चों? एनिमल विच ईट अदर एनिमल, वो जानवर जो दूसरे जानवर को खाते हैं अपने खाने के तौर पे, यानी कि फूड के रूप में, उसको वो हमारे क्या कहलाते हैं? कार्निवोरस कहलाते हैं सर। एग्जाम्पल के लिए हम बात कर सकते हैं लॉयन की, टाइगर की, फॉक्स, वुल्फ और शार्क, आपका लॉयन ये हो गया, ठीक है, टाइगर, उसके बाद हम बात कर रहे थे फॉक्स की, येरी, उसके बाद वुल्फ, सार्क, ये सब क्या है? वुल्फ ये हो गई आपकी, सार्क ये हो गई, वुल्फ, येरी, लोमड़ी।
अब ये क्या करते हैं, ये सर दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जानवर को, जैसे सार क्या है, छोटी मछलियों को खा जाएगी ये, ठीक है, से टाइगर, ये टाइगर और लायन तो इन्हें तो जो मिले ये सब कुछ खा लेते हैं भूखा होने पर, लोमड़ी भी जानवरों को खाती है, तो इस तरीके से ये अपना खाने की जो खुराक है वो पूरी करते हैं, किसकी मदद से, दूसरे एनिमल्स की मदद से। ओमनीवायरस कौन से होते हैं, एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल एज अ फूड, जो क्या खा सकते हैं सर, प्लांट्स को भी खा लेते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं फूड के रूप में। एग्जाम्पल है डॉग, डॉग खाना भी खा सकता है, प्लांट भी खा लेता है और मांस भी खा सकता है। रैट भी ऐसे ही है, क्रोक यानी कि कौआ, पिग, सुअर, हैंस एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें, ये जितने भी जीव हैं ये दोनों पे सर्वाइव कर सकते हैं, प्लांट्स पे भी कर सकते हैं और मांस पे भी कर सकते हैं, इसीलिए हमने इनको क्या कहा, ओमनीवोरस। अब ह्यूमन, हम इंसान जो हैं सर, हम खुद को क्या कंसीडर कर सकते हैं, तो हमें भी ओमनीवोरस के तौर पे ही कंसीडर करा जाता है, क्योंकि हम जो है वो फ्रूट्स भी खा सकते हैं, जैसे पत्ती, सब्जी, फल वगैरह, ये सब खा के सर्वाइव कर लेते हैं। इसी के साथ में हम क्या करते हैं, एनिमल्स बहुत लोग होते हैं जो मांस भी खाते हैं, ठीक है, चिकन वगैरह खाते हैं, तो हम दोनों चीज़ खाते हैं, इसीलिए हमें ओमनीवोरस कहा गया है। तो ये थी बच्चों क्लास 6 की आपकी साइंस की कंप्लीट, चैप्टर 1 की कंप्लीट वीडियो। इससे रिलेटेड या संबंध में आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहते हैं यानी कि करावल नगर के आसपास, तो आप कोचिंग क्लासेस के लिए मेरे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9560683578 पर। आप हमारी वेबसाइट से क्लास नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी हम एनिमेशन वीडियोज़ बना रहे हैं जो हेल्पफुल होंगी हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, और हमारी कोचिंग में हम आपको लाइव प्रैक्टिकल कराते हैं। इसी के साथ गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इसी के साथ आप इस वीडियो को अपने क्लासमेट और दोस्तों के साथ, एटलीस्ट अपने 5 फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।